जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा है चक्की के बिजनेस से रिलेटेड। मतलब जो आटा चक्की है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एनवायरनमेंट्स होते हैं उस चीज़ में, और जो मैनेजमेंट करते हैं हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस डेमो में, और सीखेंगे कि जी हम किस तरह इसमें से अपनी सेल कर सकते हैं, इन्वेंट्री बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं। जो भी हमारा पासवर्ड और आईडी वो हमने लगाना है यहाँ पे, तो हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, जो आटा चक्की है उसमें हमारे दो तीन किस्म की हमारी मैनेजमेंट होती है। एक तो वो कि हम जो आटा पिसवाते हैं उसको हम सेल करते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट होती है। दूसरा, जो हमारे पास मौजूदा गंदम का स्टॉक है उसकी मैनेजमेंट है। और समटाइम हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट कस्टमर की ये भी आई हुई है कि समटाइम कस्टमर कहते हैं कि हमारे पास कस्टमर गंदम रखवाते हैं पिसवाई के लिए और सेल के लिए, तो उसमें से हम उनका गंदम पिसवा के आगे सेल करते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट चाहिए होती है। और सम टाइम वो कहते हैं कि यार वो कस्टमर कुछ हमसे गंदम वापस ले लेते हैं, या वो आगे किसी और बंदे को सेल करते हैं, तो वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करेंगे कि जी जब टोटल स्टॉक होगा उस बंदे का और उसमें से कुछ गंदम अगर ये सेल करना चाहें वो बंदा, या वापस लेना चाहें, तो वो हम किस तरह परफॉर्म करेंगे और किस तरह उस चीज़ को हम मैनेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मेन सॉफ्टवेयर का लॉगिन है। इसमें दो तीन चीज़ें हमारी ज़रूरी समझनी होती है। एक है ये आइटम फाइल, जिसमें दो तीन आइटम हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। ये एक है वीट गंदम और दूसरा है चक्की आटा। तो तीसरी प्रोडक्ट हमारी हो सकती है कि जी अक्सर चक्की वाले ये जो नमक वगैरह है ये भी आप पिसवा के सेल करते हैं, तो तीसरी हमारी आइटम वो भी हो सकती है। और इसके अलावा मज़ीद अगर कुछ है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं पर सप्लायर पे, यहाँ पे हम ऐड करते हैं उन बंदों का नाम जो हमारे पास लेके आते हैं स्टॉक। तो अभी तक देखिए हमारे पास तकरीबन तीन चार बंदे ऐड हैं, जिसमें जायद है, बिलाल है, अजमल है, और ये चक्की एक नाम से ऐड है हमारे पास सप्लायर। तो ये बेसिकली चक्की वाले का जो अपना स्टॉक होता है वो हम इसी में ऐड करते हैं, या वो अपने नाम से भी यहाँ पर प्रोफाइल बना सकते हैं। तो एक बंदा हम और ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करता हूँ जी हसन के नाम से। ये हमारे पास आ गया सप्लायर, मींस के मतलब जो हमें सप्लाई देता है। अब गंदम के सप्लाई जाहिर से बात है हमें कस्टमर देते हैं। तो अब जाते हैं हम परचेज पे, और जब उसका स्टॉक आता है तो हम किस तरह अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। यहाँ से हमने उस बंदे का नाम बताना, ये आ गया हसन, सेव किया मैंने। अब यहाँ से हमने लिया उस बंदे से गंदम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 45 रुपये के जी के हिसाब से उसे परचेज़ किया। अब याद रखें कि यहाँ पे जो हमने प्राइस डिफ़ाइन करनी है वो हमने केजी के हिसाब से करनी है, किलो के हिसाब से, क्योंकि वो हम आटा जो हम सेल करेंगे तो हम किलो के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से और मंथ के हिसाब से सेल करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल इस बंदे ने हमें जी दिया तकरीबन कोई समझ ले कि 1200 केजी इस बंदे ने हमें गंदम प्रोवाइड किया। अब इसको मैंने ऐड किया यहाँ पर, जिसकी टोटल अमाउंट 1545 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये बनती है। तो इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने पोस्ट करना है ताकि ये स्टॉक हमारे इन्वेंट्री में शामिल हो जाए। तो ये ओके हो गया। अब पहले से हम यहाँ पे स्टॉक चेक करते हैं कि हमारे पास जो मौजूदा स्टॉक है कस्टमर का तो वो कितना है। तो वो हमने परचेज भी आना है यहाँ पे आइटम फाइल पे कि किस किस बंदे से हमने कितना कितना स्टॉक लिया हुआ है या रखा हुआ है, और फिर उसमें हम ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ हमने जब वापस करने तो वो हमने कौन सी चीज़ वापस की कितनी मिकदार में। तो ये एक लिस्ट हमारे सामने आ गई है। देखिए ये जाहद है, इसने हमें स्टॉक दिया है 1000 केजी, ठीक है जी। ये फिर है बिलाल है, इससे 1200 केजी हमने लिया। ये अजमल है, इससे 1500 केजी लिया था, फिर 120 केजी वापस किया, तो अभी मौजूदा स्टॉक इसका 1380 केजी रहता है। ये अब्दुल्ला है, इसने हमारे पास टोटल स्टॉक रखा था 2000 केजी, फिर 500 केजी इसने वापस लिया और 1500 केजी इसका रहता है। अब जो हमने ऐड किया हसन, तो ये हसन है और इसका स्टॉक है हमारे पास 1200 केजी अवेलेबल। तो इस तरीके से हम अपना क्या करते हैं कि अपने स्टॉक वगैरह एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम मज़ीद और डिटेल में आ गए। ये हमें ये बता रहा है कि जी ये जो स्टॉक हमने लिया इस बंदे से तो ये किस रेट पे लिया था। जाहिर से हमने लिया था 40 रुपये केजी के हिसाब से, फिर बिलाल से 38 रुपये केजी के हिसाब से लिया था, फिर अजमल से जो हमने लिया था 41 रुपये केजी के हिसाब से,
अब्दुल्ला से 45 रुपये केजी के हिसाब से और हसन से भी 45 रुपये केजी के हिसाब से हमने परचेज़ किया है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ। हमने सेल करना है तो वो किस तरह करना है, यहाँ पे यह कैशियर की अपनी आईडी होगी और पासवर्ड वो लॉग इन करेगा। अब मैं कुछ आटा सेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आटा सेल करता हूँ, कितना जी, मैं सेल करता हूँ 8 केजी, 85 रुपये केजी के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ 8 केजी, तो 680 रुपये का ये देखे हमारे पास ये बिल बना। अब कस्टमर ने हमें पेमेंट की 1000 रुपया, तो 1000 रुपये के हिसाब से सिस्टम बता रहा है कि जी 320 रुपये हमने कस्टमर को वापस करना है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये बिल हम सेव करते हैं, अगर आपका प्रिंटर लगा होगा तो फिर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रिंट निकल आता है। इस बिल को हम सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं सेव करता हूँ बिल 3 के नाम से, आप लोगों को दिखाने के लिए इसका प्रीव्यू कि किस तरह हमारा बिल प्रिंट होगा। ये बिल 3 आ गया हमारा, तो देखें इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ, ये हमारे यहाँ पे हमारे बिजनेस का जो नाम होगा जबकि कब वो आएगा, फिर नीचे उसका एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, पे जिस दिन को जिस डेट को ये बिल बना होगा, जिस टाइम पे बना होगा, जिस बंदे ने बनाया, शिफ्ट कौन सी है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, नाइट है, ये बिल नंबर है और किस काउंटर से बना। ये है चक्की आटा हमने किया 85 रुपये के जी के हिसाब से, कितना 8 केजी, तो 680 रुपये इसका बिल बन गया। 680 रुपये बिल बना, कस्टमर ने हमें 1000 रुपये का नोट पकड़ाया, 320 रुपये हमने वापस करने हैं कस्टमर को, वो बिल पे भी प्रिंट हो गया और सामने हमें स्क्रीन पे भी शो हुआ जब हमने बिल बनाया। तो ये तो था हमारा बनाने बिल बनाने का तरीका आटा के लिए। अब हम सेल करते हैं कुछ गंदम, फॉर एग्जांपल ये गंदम है, ये 45 रुपये के जी के हिसाब से हम सेल करते हैं। हमने कितना सेल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 केजी मैंने सेल करना है, 500 केजी के हिसाब से 22,500 रुपये इसके बनते हैं। कस्टमर ने पेमेंट की 22,500 रुपया, तो ये भी इसी तरह बिल बनेगा जिस तरह पहले हमने बनाया, उसका फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह होगा। ये बिल 4 के नाम से मैं सेव करता हूँ, इस बिल को भी हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह प्रिंट हुआ होगा। तो ये देखें ये हमारा बिल बना, इसको मैं जूम करूँ, पहले बिल में यहाँ पे आटा था, अब इसमें वीट आ गया गंदम। इसको हम अगर उर्दू में चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, वो फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो कहें कि जी हमें उर्दू वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए, बिल चाहिए, तो हम उर्दू में करके दे देंगे उनको, अगर इंग्लिश वाला चाहिए होगा तो फिर ये होगा जो आप लोग देख रहे हैं अभी। 45 रुपये रेट था, 500 केजी हमने गंदम सेल किया, 22,500 का बिल बना, तो ये पेमेंट हमारे पास आई। और ये जो अमाउंट होगी वो हमारे पास इंग्लिश में डे जो वर्ड्स हैं वर्ड में भी लिखी होगी अमाउंट, और यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स में भी लिखी होगी। तो ये तो है हमारा सेल करने का तरीका कि हम सेल किस तरह करेंगे, जो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। तो ये तो था हमारा सेल करने का तरीका। अब क्या करते हैं, कस्टमर कहते हैं कि जी मेरे कुछ गंदम जो है वो उसमें से सेल करें या मुझे वापस करने, मैंने सेल करने, तो वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, वो हमने आना है परचेज में, रिटर्न परचेज, परचेज हम रिटर्न करने उस बंदे को। ये हम जाते हैं हसन का, हसन का तकरीबन 1200 केजी हमने लिया था गंदम, अब तकरीबन इसका क्या करने के 200 केजी इसको हमने वापस करना है, क्या चीज़, गंदम, या गया गंदम, ठीक है जी, कितना वापस करना है 200 केजी, तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। और उसके स्टॉक में से ये 1200 टोटल था उसका, और 200 केजी उसके स्टॉक में से अब लेस हुआ होगा। अब जाके हम चेक करते हैं टोटल स्टॉक के, हमारे पास टोटल जो बचा है वो कितना गंदम बचा है सबका। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जी हमने स्टॉक जो चेक करना है वो गंदम का चेक करना है, जस्ट हमने इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टोटल स्टॉक हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखें टोटल स्टॉक आया था इस बंदे की तरफ से 1200 केजी, 200 केजी इसने या सेल किया या वापस लिया, तो अभी जो इसका स्टॉक हमारे पास रहता है वो 1000 केजी हमारे पास ये स्टॉक रहता है। ये देखिए सबका तमाम का हर एक बंदे का लेजर शाम पे शो होता है, स्टॉक भी शो होता है, अगर उसने वापस किया तो वो भी शो होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं तमाम तर स्टॉक की जी हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है और किस तरीके से हम उसको सेल करते हैं या आटा या गंदम। अब यहाँ पे हम चेक कर दें कि जी हर एक बंदे का कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है,
एक ही लिस्ट में। ये देखिए हमारे बता रहे हैं कि जी जाहिद का जो स्टॉक है अभी फिल वक्त वो हमारे पास 1000 kg, बिलाल का 1200 kg, इस तरह अजमल का हमारे पास 1380 kg, अब्दुल्ला का 1500 kg, हसन का था 1200 kg लेकिन 200 हमने वापस किए तो अभी रहता है 1000 kg। टोटल जो स्टॉक हमारे पास गोदाम में अवेलेबल है वो है 6080 kg हमारे पास टोटल अभी मौजूदा अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जी हमारे पास टोटल स्टॉक कितने। अब जब हमने सेल किया होगा तो हम सेल चेक करते हैं कि जी आज के दिन में हमारी टोटल सेल कितनी हुई और किस किस चीज़ की हुई। तो ये देखिए टोटल सेल हमारी आज की है 57,430 रुपया, ये तो टोटल बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ की कितनी कितनी सेल हुई, तो ये हमने आइटम वाइज पे चेक करना है। और यहाँ पे अब देखिए बता रहा है सिस्टम की जी जो वीट हमने सेल किया वो 1215 kg हमने सेल किया 45 रुपये kg के हिसाब से, इतनी अमाउंट का 54,675 रुपया। और आटा जो हमने सेल किया ये हमने 33 kg सेल किया 83 रुपये के हिसाब से, और ये इतना हमने सेल किया 2755 रुपये। जो टोटल सेल हमारी बनी वो 57,430 रुपया टोटल मिला के हमारी सेल बनी। तो इस तरीके से हम तमाम तर रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बना सकते हैं, और हम इस सॉफ्टवेयर को यूँ चला सकते हैं जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इस डेमो की। फिर भी किसी किस्म की अगर क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो हमसे डायरेक्टली फ़ोन पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।